हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। मैं अविनाश शर्मा आज आपको कटनी सिटी के 4 रेलवे स्टेशन का फुल ओवरव्यू और एक्सप्लोर कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और आप इस समय स्क्रीन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 देख सकते होंगे। यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। आपको जूम इन करके मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 के व्यू सभी कुछ दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड्स ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 है। आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे छिप्रा एक्सप्रेस खड़ी हुई है, जो ये कटनी सिटी का मेजर रेलवे स्टेशन है। इस प्लेटफॉर्म नंबर 3 है और यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है और आप राइट साइड पे देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 है। तो टोटल यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। बहुत ही बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से डेली करीबन 240 ट्रेन यहाँ से पास होती हैं। रेलवे स्टेशन से 4 रेलवे लिंक्स यहाँ से डाइवर्ट होते हैं, जैसे कि पहला है कटनी बीना, सेकेंड नंबर पर आता है कटनी बिलासपुर, थर्ड नंबर पर कटनी सिंगरौली, फोर्थ नंबर में कटनी इटारसी और फिफ्थ नंबर में कटनी इलाहाबाद। मतलब यहाँ से 5 रेलवे लिंक्स हैं कटनी रेलवे स्टेशन से का जोन वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है और डिवीज़न जबलपुर है। और यहाँ पे डाउन ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे लगती हैं, जो कि अपनी इलाहाबाद की तरफ जाती है। और 4 और 5 और 6 में अब ट्रेनें यहाँ से जबलपुर की तरफ जाती हैं और सिंगरौली की तरफ जाती है और बिलासपुर की तरफ यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 6 से जाते हैं। यहाँ पे टोटल 8 रेलवे ट्रैक्स हैं, जो कि अभी आप इसमें स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जबलपुर मडवाड़ी, जो कि जबलपुर वाराणसी है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2। अलाहाबाद की तरफ जाने वाली जो भी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 2 पर लग जाती है, जो कि डाउन ट्रेन है। और इस ट्रेन का नाम है बापूधाम एक्सप्रेस, जो कि मुजफ्फरपुर मड़ुआडी जबलपुर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब मैं यहाँ के ट्रैक्स के बाइफरकेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यहाँ पे टोटल 8 ट्रैक्स हैं और कहाँ कहाँ इनका डिवीज़न होता है, कहाँ इनका बाइफरकेशन होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट साइड में है, जो कि कटनी मुरवाड़ा के लिए यहाँ से बाइफरकेशन होता है, मैं आपको पूरा जूम करके व्यूज दिखाऊँगा। बाइफरकेशन का एग्जैक्ट पॉइंट यहीं पे है, यहीं से 4 तरफ रेल ट्रैक्स डिवाइड होते हैं। और फ्रेंड्स आपको अभी दिखा रहा हूँ जो कि राइट साइड पे है, ये कटनी मुरवाड़ा के लिए ट्रैक जाता है, जो आप देख सकते हैं ये जो टर्न हो रहा है कटनी मुरवाड़ा के लिए जाएगा। और फ्रेंड्स इसको इंडियन रेलवे का चौराहा भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते होंगे जैसे आपकी सिटी वगैरह में 4 तरफ से डायरेक्शन पे रोड जाती है उसी तरह से चौराहा कहते हैं, वैसे फ्रेंड्स ये इंडियन रेलवे का चौराहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं एक रूट ये जा रहा है जो कि कटनी मुरवाड़ा की तरफ जा रहा है, और ये जो अभी इंजन आ रहा है फ्रेंड्स ये न्यू कटनी जंक्शन की तरफ से आ रहा है। और फिर आप सामने देख सकते हैं जो कि वो जबलपुर डिवीज़न के लिए जाता है। फ्रंट साइड पे जबलपुर डिवीज़न की तरफ रेलवे ट्रैक आपको सीधा जाता है, जो कि एक ब्रिज के नीचे से जाता है। ट्रेन हावड़ा भी जा सकती है वाया सिंगरौली होके। और अभी आप जो देख रहे होंगे ये कटनी मुरवाड़ा की तरफ ट्रैक बिल्कुल सर्कुलर बना के कटनी मुरवाड़ा की तरफ से जाता है, और ये है कटनी जंक्शन। और मैं आपको कटनी जंक्शन का बाइफरकेशन के पास से व्यूज़ दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये NKJ न्यू कटनी जंक्शन का बाइफरकेशन है। और आपको बताना चाहूँ कि यदि आपको न्यू कटनी जंक्शन जाना है कटनी जंक्शन से, तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ उतरना होगा, और वहाँ से आपको ऑटो वगैरह प्लेटफॉर्म नंबर 6 से मिल जाएंगे न्यू कटनी जंक्शन के लिए। और अभी सामने देख रहे हैं आप कटनी मुरवाड़ा का जो ट्रैक बाइफरकेशन होता है, और आपको यदि कटनी मुरवाड़ा जाना होगा तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उतरना होगा, आपको बाहर एग्जिट करना होगा मेन प्लेटफॉर्म से, बाहर से आपको मिल जाएंगी कटनी मुरवाड़ा जाने के लिए। इस रोड से आप कटनी साउथ की तरफ जा सकते हैं और
न्यू कटनी जंक्शन की तरफ आप इस रोड से जा सकते हैं, जैसे कि कुछ ट्रेन वगैरह आप कटनी साउथ और न्यू कटनी जंक्शन से जाती हैं और इधर कटनी जंक्शन पर नहीं आती हैं। तो फ्रेंड्स यही रोड है जो आपको कटनी साउथ तक पहुंचा देगी और न्यू कटनी जंक्शन तक भी पहुंचा देगी। ये कटनी जंक्शन का कैबिन है, आप देख सकते हैं मेन एग्जैक्ट पॉइंट यही है जो बाइफरकेशन होता है जो न्यू कटनी जंक्शन और कटनी साउथ जंक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स आप बाइफरकेशन देख सकते हैं, तो कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है आप देख सकते हैं। और देखिए बिल्कुल क्या बढ़िया नज़ारा आपको दिख रहा होगा जो दोनों बाइफरकेशन आपको आज एग्जैक्ट बाइफरकेशन जो मैं आपको वीडियो के द्वारा दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड्स आज ट्रैक बिल्कुल सर्कुलर पे है जो कि बहुत पूरा टर्न कर देते हैं, आपको एक सेमी सर्कल व्यू देखने को मिलेगा जब भी आप इस ट्रैक से गुजरेंगे। ये आपको इंडियन रेलवे का ब्रिज दिखा रहा हूँ जो कि ऐसा बहुत कम जगह आपको इंडियन रेलवे में देखने को मिलता होगा। और आपको साथ ही में जूम करके मैं कटनी साउथ रेलवे स्टेशन दिखा रहा हूँ जो सामने ब्रिज से ही थोड़ा ही दूर 100 मीटर पे कटनी जंक्शन साउथ है। और आपको बता दूँ कि ये रेलवे ब्रिज बहुत ही पुराना है और ट्रेनें यहाँ से हावड़ा की तरफ भी जाती हैं वाया सिंगरौली। तो एक बार मैं आपको पूरा राउंड करके पूरा कटनी जंक्शन ये चारों स्टेशन का एक्सप्लोर कराऊँगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरा व्यू। ये यहाँ के टोटल 8 ट्रैक्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। और पूरा आपको पूरा कटनी सिटी के जितने भी स्टेशन हैं सब चारों तरफ पास पास में ही हैं, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं। ये गुड्स ट्रेन जो कि अब ब्रिज के ऊपर से पास होगी। ये गुड्स ट्रेन ये बिलासपुर की तरफ जा रही है और ये ब्रिज के ऊपर से पार कर रही है। और आप सामने से देख सकते हैं ये जो ट्रेन आ रही है वो जबलपुर डिवीज़न की तरफ से आ रही है। तो बहुत ही अच्छा व्यूज़, नीचे से भी ट्रेन ऊपर से भी ट्रेन, मतलब बहुत ही मज़ेदार व्यूज़ आप देख सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया, ऊपर से भी मालगाड़ी नीचे से भी मालगाड़ी। आप कटनी जंक्शन देख सकते हैं। अब मैं आपको कटनी जंक्शन से मुरवाड़ा जंक्शन जाने का शॉर्टेस्ट रूट के बारे में बताऊंगा जो कि यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर्स होगा और आपको 10 मिनट्स लगेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए कटनी मरवाड़ा की तरफ मूव करते हैं शॉर्टेस्ट रूट की तरफ से। और ये कटनी जंक्शन के ट्रैक्स है और ये बाइफरकेशन है। अब हम कटनी मरवाड़ा की तरफ जाएंगे जो कि एक शॉर्ट रूट होगा। तो आपको यहाँ से ऐसे, तो ये कटनी जंक्शन है और आपको इधर से आना है जबलपुर डिवीज़न की तरफ एक पगडंडी दिखेगी जो कि एक शॉर्ट रूट है कटनी मरवाड़ा जाने के लिए। यहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है आपका कटनी मरवाड़ा, आप पास में ही लगभग आपको 10 मिनट लगेगा आप पहुँच जाएंगे। मैं आपको बताऊँगा कटनी मरवाड़ा कैसे पहुँचेंगे। तो यही एक पाथ है जहाँ से अपन कटनी जंक्शन की तरफ से आते हैं कटनी मरवाड़ा पहुँच जाएँगे। ये वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है यहाँ से, सबको कहीं नहीं मुड़ना, आपको बिल्कुल सीधे जैसे ही रोड जाएगी, ये डामर की रोड है, सीधे ही आपको बिल्कुल चले जाना है। अगर अभी देख सकते हैं जो कि कटनी मरवाड़ा की तरफ जा रहा है, इस रोड से आगे की तरफ कटनी मरवाड़ा के लिए मूव कर रहे हैं। यही मोड़ है जहां से अपन को मरवाड़ा की तरफ जाना है। तो अपन कटनी मरवाड़ा की तरफ मूव कर रहे हैं, इसी रोड से आपको बिल्कुल सीधा जाना है जो कि मैं आपको कटनी मरवाड़ा पहुँच जाऊँगा। तो आपको पूरी जितने भी टर्न्स वगैरह सब आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगा कि आप भी करके कटनी मरवाड़ा पहुँच सकें। ये एक लैंडमार्क है जिससे आप याद कर सकते हैं कि यहाँ की आप मेरे को जब मरवाड़ा जाएंगे तो ये पड़ेगा अपने को। और आपको ये मंदिर भी पड़ती है, आप देख सकते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। ये कल्याणी माता जी का मंदिर है जो कि इस रूट पर पड़ता है। तो मैंने इसको वीडियो में कैंसिल कर दिया, मैं कटनी मरवाड़ा की तरफ मूव कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पूरा बताऊँगा कि कितना टाइम लगता है। ये रेलवे कॉलोनी का ग्राउंड है, ये रेलवे कॉलोनी के घर हैं यहाँ पे,
जो कि लैंडमार्क भी पड़ती है, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। तो इस रोड से आपको जाना है और टर्न कहीं से नहीं करना, बिल्कुल सीधा जाना है। ये टर्न जाता है बट आपको यहाँ से टर्न नहीं करना है। मैं आपको बताऊँगा कहाँ से टर्न करना है। कटनी मरवाड़ा से, कटनी मरवाड़ा से कटनी जंक्शन काफ़ी सारे लोग पैदल ही यहाँ से आ जाते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत ही पास है और आपको कुछ यहाँ का एनवायरनमेंट देखने को भी मिल जाएगा। टांगे हुए हैं सब कटनी मरवाड़ा से ही आ रहे हैं स्टेशन से, क्योंकि बहुत ही पास में है, आपको ऑटो की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये फ्रेंड्स ये टर्न है जहाँ से अपन मुड़ते हैं, तो आप भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने लोग यहाँ से पैदल आते हैं, मतलब पास में है अभी, काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं इस रास्ते को और बहुत पास में भी है। फिर ये वाला टर्न आएगा, आपको यहाँ से टर्न कर लेना है, फिर सीधे आपको कटनी मरवाड़ा पहुँच जाएंगे। ये टर्न बिल्कुल आपको सीधे पहुँचा देगा कटनी मरवाड़ा स्टेशन। आप फिर से टर्न देख सकते हैं कि आपको डाउट ना हो, और मैं आपको पूरा बताऊँगा कि आप काफ़ी कन्वीनियंट रहे आपको कटनी जंक्शन से कटनी मरवाड़ा पहुँचने के लिए। यहाँ से भी हम कटनी मरवाड़ा स्टेशन जहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे प्लेटफॉर्म पर, वो मेन रोड से बताऊंगा कि आपको तकलीफ़ ना हो, कि आप रात में आते हैं तो आपको परेशानी हो जाएगी इस वाले टर्न से। तो आप फ्रेंड्स आपको कुछ कटनी मरवाड़ा स्टेशन दिखने लगा होगा। तो फाइनली हम कटनी मरवाड़ा के रैंप के पास पहुंच चुके हैं। आपको ये रैंप दिख रहा होगा जो कि कटनी मरवाड़ा का रैंप है स्टेशन का। तो आप ये वाले रैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इस तरफ से मार्केट की तरफ यदि आपको जाना हो तो ये रैंप आपको डायरेक्ट मार्केट की तरफ पहुँचा देगा। और फ्रेंड्स आपको कटनी मरवाड़ा का प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा होगा सामने की तरफ से, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स मेरे को एग्जैक्ट 10 मिनट्स लगा है कटनी जंक्शन से कटनी मरवाड़ा आने के लिए। बहुत ही पास है, यदि आप घूमना चाहते हैं और मजा लेना चाहते हैं फ्रेंड्स आप ये रास्ता प्रीफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कटनी मरवाड़ा का आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिख रहा होगा, और ये यहाँ के कुछ इंजन्स वगैरह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हुए हैं, और आपको ट्रैक के उस तरफ आपको 2 और 3 प्लेटफॉर्म नंबर दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स आशा है कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया होगा। और फ्रेंड्स यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। फाइनली हम कटनी मरवाड़ा पहुँच चुके हैं, जो आपको फिर से एक बार मैं व्यूज़ दिखा दूँ फ्रेंड्स। तो ये बाहर का नज़ारा है कटनी मरवाड़ा के बाहर का व्यू है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। और आपको जो सामने रैंप दिख रहा है उस रैंप से आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 पे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी कन्वीनियंट रैंप है, आप यहाँ से आसानी से पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे ऑटो वगैरह भी काफ़ी सारी मिल जाती है, क्योंकि 10 रुपये लेती है आपको कटनी स्टेशन पहुँचा देती है। बट फ्रेंड्स ये शॉर्टकट है, यदि आप खाना चाहें तो आपको 10 मिनट लगता है, काफ़ी मज़ा भी आता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो फाइनली कटनी मरवाड़ा का आपको मैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ कि जो कि मैं पहुँच गया हूँ 10 मिनट पर। और आप देख सकते हैं ये कटनी मरवाड़ा का फ्रंट व्यू, जो कि अभी इसको बनाया गया है, काफ़ी अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है कटनी मरवाड़ा। तो आप देख सकते हैं कटनी मरवाड़ा का फ्रंट व्यू। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।